हरियाणवी लोगों की अकड़ और उनकी पकड़ खासी घनी होती है, तभी तो यहाँ के छोरे भवाल काटने में पीछे नहीं रहते हैं। बात किसी गेम को लेकर हो या फिर फिटनेस को लेकर, हरियाणवी छोरों की तो अलग ही चौड़ होती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन हम हरियाणवी एक्सेंट में क्यों जा रहे हैं, तो भाई इस तूफान मेल के लिए इतना तो बनता है। नहीं समझे तो चलिए बताते हैं। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंकित बयानपुरिया की, जिन्होंने 75 हार्ट चैलेंज लेकर ऐसी धूम मचाई कि बस सोशल मीडिया पर तो बवाल ही मच गया। तो आइए आपको इनके बारे में थोड़ा और बताते हैं और पलटते हैं इनके जीवन के उन पन्नों को जहां से शुरुआत करके आज इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंकित बयानपुरिया का असली नाम अंकित सिंह है और ये हरियाणा राज्य के बयानपुर के रहने वाले हैं। इनका जन्म 31 अगस्त 1998 को हुआ था। इनकी फैमिली में इनकी माँ और इनके पिता है, जहाँ इनके पिता एक किसान है वहीं इनकी माँ एक घरेलू महिला है। अंकित ने क्लास 10 तक की पढ़ाई सोनपत के बयानपुर लहरारा से की और आगे 11th और 12th की पढ़ाई इन्होंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन सोनीपत से पूरी करी। ग्रेजुएशन में इन्होंने बीए किया है जो इन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से कंप्लीट किया है। करियर में आगे बढ़ते हुए इन्होंने सोशल मीडिया की तरफ रुख करते हुए यूट्यूब पर अपना एक हरियाणवी खड्डग नाम से चैनल बनाया और वहां पर हरियाणवी कॉमेडी वीडियोस डालना शुरू किया, लेकिन इनकी वीडियोस को उस वक्त तक कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल सका। खैर इन्होंने कोशिश जारी रखी लेकिन तब तक पूरे देश में कोविड महामारी चरम सीमा पर थी, जिस वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। उस वक्त इन्होंने अपनी बॉडी और फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया और अपने यूट्यूब चैनल का नाम बदलकर अंकित बयानपुरिया रख दिया, जिसमें इन्होंने भारत के पारंपरिक तौर तरीकों जैसे कुश्ती, रस्सी चढ़ना, दौड़, इन चीजों को शामिल किया। इनके कोच का नाम कृष्णा पहलवान है जो इन्हें इन सब एक्सरसाइजेस की सही टेक्निक बताते हैं। अंकित बयानपुरिया तब चर्चा में आ गए जब जून 2023 में इनके चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। YouTube ने इन्हें 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर सिल्वर बटन भी दिया। यहां से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और अगस्त 2023 में इनके Instagram पर भी 1,00,000 फॉलोअर्स हो गए। खैर इनके चर्चा में आने की शुरुआत तब हुई जब 28 जून 2023 को इन्होंने 75 हार्ट चैलेंज को लिया। 75 हार्ट चैलेंज अमेरिकन ऑथर और उद्योगपति एंडी फ्रिसेला के द्वारा बनाई गई एक मेंटल फिटनेस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट योजना है। इसमें 5 मुख्य कामों को सुनिश्चित किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर आता है कि आपने जो भी प्रोग्रेस किया है उसकी सेल्फी लेना और उसे अगले दिन मोटिवेशन के तौर पर लेकर उससे बेहतर परफॉर्म करना। दूसरे नंबर पर आता है नियमित तौर पर एक बैलेंस डाइट को फॉलो करना और ड्रिंक और स्मोक जैसी चीजों के साथ साथ जंक फूड और फास्ट फूड से दूरी बनाए रखना। इसके तीसरे स्टेप में आता है रेगुलर तौर पर 4 लीटर पानी को पीना और चौथे नंबर पर आता है सेल्फ हेल्प या फिर किसी एजुकेशनल बुक के 10 पन्नों को रेगुलर बेसिस पर पढ़ना और पांचवा और आखिरी नंबर पर आता है 45 मिनट तक चलने वाले 2 एक्सरसाइज में शामिल होना। इन दोनों तरह की एक्सरसाइजेज में एक एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जो खुले वातावरण में होनी चाहिए और नियमित तौर पर की जानी चाहिए। इसकी मदद से अंकित ने अपनी मेंटल हेल्थ को काफी स्ट्रॉन्ग किया और लोगों के बीच में काफी पॉपुलैरिटी भी हासिल करी। इनके इस हार्ड रूटीन के बाद ही लोगों ने इनको काफी फॉलो करना शुरू किया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गए। गुरुग्राम्स बुल न्यूट्रिशन कैफे ने इन्हें अपने ऑफिशियल एथलीट के रूप में साइन भी किया है। इतना ही नहीं, आज अंकित को लोगों के बीच में इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि ये और भी कई नामी ब्रांड्स को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हरियाणा के छोरों में स्वैग ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए अंकित को भी पिस्टल रखने का काफी शौक है और इनके पास एक पालतू बिल्ली भी है जिसे ये बेहद प्यार करते हैं। आज के डेट में अंकित बयानपुरिया के इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहीं इनके यूट्यूब पर आज 2.16 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वैसे क्या आपको भी अंकित बयानपुरिया पसंद है, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके दी लॉलीपॉप को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।